नमस्ते, आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट और रोल एक म्यूचुअल फंड का। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं ना कि फाइनेंशियल मार्केट्स में पैसे कहाँ पे लगाए, चाहे वो स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, टीबिल्स हो, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स, पीपीएफ हो, है ना। हम लोग हमेशा इसी सोच विचार में रहते हैं कि हमें पैसे कहाँ लगाने चाहिए। अब बात करते हैं हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले हमें देखना है रिस्क लेने की क्षमता। कुछ लोग रिस्क लेना चाहते हैं और कुछ लोग रिस्क लेने से कतराते हैं। वो एक सेफ रिटर्न चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे। दूसरा ये हुआ कि कितने पैसे सेफ जगह लगेंगे, कितने रुपए इक्विटी में लगेगा, कितना रुपए सेविंग्स अकाउंट में रहेगा और कितना रिस्क कवर लिया जाएगा। पोर्टफोलियो क्रिएट करना होगा दूसरे दूसरे एसेट क्लास का, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स आदि। मार्केट को मॉनिटर करना होगा, जैसे कि किस तरफ मार्केट जा रहा है, मार्केट बुलिश है या बेरिश, किस में और खरीदारी करनी है और कौन सा बेचना है। आइए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड में लोगों को किस लिए निवेश करना चाहिए। निवेशक डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद सकते हैं, पर इसमें बहुत सी मुश्किलें आती है, जैसे कि बहुत समय लगता है एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में और बिजनेस के बारे में जानने के लिए, क्योंकि उस व्यक्ति का पूरा समय किसी जॉब में जाता है, तो ये बहुत मुश्किल साबित होता है। हमें कंपनी का भविष्य का परफॉर्मेंस समझना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल हो सकता है। उसका कंपेटिटर्स के बारे में समझना और उसके बिजनेस प्लान को समझना काफ़ी हद तक मुश्किल रहता है। प्रमोटर के ट्रैक रिकॉर्ड को समझना भी मुश्किल होता है। कंपनी के डिविडेंड हिस्ट्री को जानना पड़ता है कि क्या ये कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं। ये भी हमें जानना पड़ता है क्या कंपनी ने बोनस दिया है कि नहीं शेयर होल्डर को। कंपनी का मैनेजमेंट से मिल पाना उतना आसान नहीं होता है, तो इन्हीं सब कारणों के लिए ये ज़रूरी है कि व्यक्ति म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करे। लेकिन इसके पहले चलिए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा व्हीकल है जिससे हम स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। ये इन्वेस्टर लोगों को इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन देता है जो फाइनेंशियल मार्केट्स में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है इसे देखने का। म्यूचुअल फंड एक बस के तरह है और स्टॉक्स एक गाड़ी की तरह है। अगर किसी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, वो या तो गाड़ी में बैठकर जा सकता है या फिर बस में बैठ के जा सकता है। म्यूचुअल फंड यूनिट के ओनर प्रोपोर्शनल शेयर पाते हैं फंड के गेन्स, लॉसेस, इनकम और एक्सपेंसेस का। ये म्यूचुअल फंड के पास एक फंड मैनेजर होता है जो निवेशक के बदले स्टॉक और बॉन्ड में पैसे लगाते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स सेबी द्वारा रेगुलेट होता है। निवेशक अपने पैसे पूल करते हैं एक फंड हाउस में। फंड हाउस के पास फंड मैनेजर होते हैं जो रिसर्च करने के बाद सिक्योरिटी में निवेश करते हैं कॉमन गोल के माध्यम से। ये इन्वेस्टमेंट निवेश करते हैं रिटर्न जो कि निवेशक को पास ऑन होता है। आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस। ये प्रोफेशनली मैनेज होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार मैनेज होता है और फंड मैनेजर इसे बहुत ध्यान और बारीकी से मैनेज करता है। वो अपना रिसर्च टीम के साथ बैठते हैं और इसे मैनेज करते हैं। इसमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। छोटे अमाउंट को भी अनेक सिक्योरिटीज में निवेश करके डाइवर्सिफाई किया जाता है रिस्क को। कोई व्यक्ति 500 जैसे छोटे रकम के साथ भी निवेश कर सकता है। इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होता है, क्योंकि इतना बड़ा फंड मैनेज होता है, इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिलता है, जैसे कि ब्रोकरेज और दूसरे अन्य कॉस्ट जो कि बहुत कम लगता है। इसमें लिक्विडिटी का फायदा भी है। निवेशक जब चाहे इन फंड को बेच सकता है और उसके बैंक अकाउंट में 1 से 4 दिन के बीच में पैसे आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड में शेयर्स को खरीदने और बेचने पर टैक्स नहीं लगता है फंड हाउसेस का। जब भी निवेशक अपने यूनिट को बेचता है तब उसे टैक्स देना पड़ता है, अगर उसका फायदा होता है तब। डेट फंड्स के केस में क्लाइंट को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है और टैक्स देना पड़ता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद। इससे निवेशक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। वो महीने में हर बार ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इससे वो नियम अनुसार
रुपए निवेश करता है अपने आने वाले कल के लिए, अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए। सेबी द्वारा स्ट्रिक्ट चेक और बैलेंस रहता है म्यूचुअल फंड निवेशकों को, निवेशक को इस बात का बहुत शांति रहता है। तो ये थे एडवांटेजेस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के।